नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसैनिकों का हमला। श्रीलंका के नौसैनिकों ने गुरुवार तड़के एक बार फिर भारतीय मछुआरों पर हमला कर उनकी नौकाओं और जालों को क्षतिग्रस्त कर उन्हें पाक फ्लीट तक खदेड़ दिया। रामेश्वरम लौटे मछुआरों ने बताया कि तड़के करीब 2 बजे श्रीलंकाई नौसेना के जलपोतों ने लगभग 40 भारतीय मछली नौकाओं को घेर लिया और उनकी नौकाओं और जालों को नष्ट कर वहां से चले जाने की धमकी दी। मछुआरों ने आरोप लगाया कि श्रीलंकाई नौसैनिक इस बार मछली पकड़ने के नए सीजन की शुरुआत से ही इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास भी उन्हें मछली पकड़ने से रोका जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यूरोप में हिंदुओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत एक सप्ताह के लिए ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे, जहां वे जुलाई के अंत में ब्रिटेन और यूरोप के हिंदुओं के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संघ का विचार है कि यह समारोह हिंदू समुदाय को एक साथ लाने में मदद करेगा, साथ ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसके बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू स्वयंसेवक संघ कर रहा है। यह पहला मौका है जब भागवत ब्रिटेन में स्वयंसेवकों के महाशिविर को संबोधित करेंगे। ईडी ने जगन मोहन रेड्डी की 749 करोड़ की संपत्ति जब्त की। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी की 749 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। बुधवार को ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में बंजारा हिल्स में स्थित लोटस पाउंड बिल्डिंग, साक्षी टावर और बेंगलुरु स्थित एक व्यावसायिक परिसर शामिल है। इसके अलावा रेड्डी और उनकी पत्नी भारती द्वारा विभिन्न कंपनियों में निवेश किए गए शेयरों को भी ईडी ने जब्त कर लिया। कश्मीर में हिजबुल के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया। गिरफ्तार आतंकवादियों की पहचान तनवीर अहमद और शौकत के रूप में की गई है। आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। नाटो के हवाई हमले में मारे गए आईएस के 250 आतंकवादी। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन सेना ने दावा किया कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ किए गए ताजा हवाई हमले में कम से कम 250 आतंकवादी मारे गए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बुधवार को बताया कि इराक के फालूजा शहर के आसपास आईएस के आतंकवादियों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में कम से कम 250 आतंकवादी मारे गए और लगभग 40 वाहनों को नष्ट कर दिया गया। ट्रंप का राष्ट्रपति बनना होगा खतरनाक, फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने कहा। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने गुरुवार को कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो यह काफी खतरनाक हो सकता है और इससे फ्रांस और अमेरिका के रिश्ते प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो इससे यूरोप और अमेरिका के बीच संबंधों में जटिलता आएगी। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।